मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सहायक पुलिस के संबंध में अभिनंदन निर्णय लें। ये जो हमारा पुलिस के जवानों का 20 दिन का छुट्टी का भी कैबिनेट में निर्णय लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर तनाव देखा गया है, लेकिन कल तक जो सत्ता में थे और आज जो विपक्ष में है वो अपनी गलती का ठिकरा वर्तमान के सत्ता पक्ष पर फोड़ रहे हैं। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। उन्होंने हेमंत सरकार को उनके वादा को याद दिलाते हुए पुलिस कर्मियों के 13 महीने का वेतन और 20 दिनों की क्षतिपूर्ति छुट्टी को अविलंब देने की मांग उठाई है, जबकि पूर्व की सरकार ने ही इन्हीं पुलिस कर्मियों को मात्र 13 महीने का वेतन देने की घोषणा की थी। लेकिन काफी मांग के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में 20 दिनों की छुट्टी की मांग को नहीं माना। अब सवाल यह है कि क्या कुछ मुद्दे सिर्फ अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं? बहरहाल आप ये खबर देखिए, जब मोराबादी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने पहुंचे तो उनके मांगों को तो जायज बताया ही, साथ ही साथ उन्होंने पुलिस एसोसिएशन के लिए भी मांगे उठाई सरकार से। उन्हें सरकार के वादे को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस एसोसिएशन में जो हैं उन्हें 20 दिनों की छुट्टी अविलंब मिले और साथ ही 13 महीने की का वेतन भी मिले। क्या कुछ रघुवर दास कह रहे हैं सुनिए। मेरी एक सरकार से और डिमांड है, ये जो हमारे पुलिस के जवान, जब हमारी सरकार थी तो हमने पुलिस एसोसिएशन के लोग ने हमसे मिला था कि हम लोग सर पर्व त्यौहार में काम करते हैं तो हमारा 13 महीना का पेमेंट हो 12 महीने के बनिस्पत और हमें 20 दिन छुट्टी मिले। तो हमारी सरकार जब थी तो हमने 12 महीने के बदले 13 महीने का पेमेंट सारे पुलिस के जवानों का, चाहे दरोगा हो, DSP हो, इंस्पेक्टर हो, सबने, क्योंकि सब पर्व त्यौहार में अपने परिवार से हटकर वो नौकरी करते थे तो उनकी मांग जायज़ थी, हमने 13 महीने का पेमेंट कर दिया था। थोड़ी चूक हो गई थी, जो छुट्टी था 20 दिन का वो हम लोग नहीं किया था। ये सरकार ने उस मामले को भी चुनाव के समय मुद्दा बनाया था और ये सरकार ने पुलिस को आश्वस्त किया था, पुलिस एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो पहला कैबिनेट में हम 20 दिन की छुट्टी की भी स्वीकृति देंगे। लेकिन आज कितने कैबिनेट हो गए, 2 वर्ष होने जा रहे हैं, उन पुलिसों को 20 दिन की छुट्टी का अभी तक कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया। तो मेरी सरकार से मांग होगी, चुनाव में जो आपने वादा किया उन वादे को, और 13 महीना ऑलरेडी हमने पेमेंट, जिसमें 300-400 करोड़ रुपये प्रति बस सरकार के खजाने से जाते हैं, अब 20 दिन की छुट्टी को आप अविलंब कैबिनेट में ला के करें ताकि हमारी सहायक पुलिस हो चाहे हमारे राज्य की पुलिस के जवान, क्योंकि आम जन की सुरक्षा इन्हीं पुलिस के जवानों के बदौलत, 3.25 करोड़ जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो सहायक पुलिस हो चाहे सीधी पुलिस हो, इन्हीं के बदौलत आज हम सब, आप सब सुरक्षित हैं। और सुरक्षा जहाँ जहाँ अच्छी रहेगी, जहाँ शांति रहेगी, वहीं विकास भी होगा। तो विकास के लिए हमें राज्य को सुरक्षित और शांति प्रिय माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस और सहायक पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को समझते हुए मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सहायक पुलिस के संबंध में अभिनंदन निर्णय लें और एक कैबिनेट करके ये जो हमारा पुलिस के जवानों का 20 दिन का छुट्टी का भी कैबिनेट में निर्णय लेकर, ताकि हमारे सहायक पुलिस या हमारे पुलिस के जवान मानसिक रूप से, ये जो फिर उग्रवाद फिर मात से निकल रहे हैं, ये जो शहर में अपराध की घटना बढ़ रही, तो मानसिक रूप से हमारे